हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हो? खुश हो? परेशान तो नहीं हो? गाइस, आपके साथ अल्टा का जो है, अल्टा ब्यूटी का जो है, मेकअप अनबॉक्स करने लगी हूँ। चले जी, दोनों एंजॉय करते हैं, आप भी और मैं भी। इसको अनबॉक्स करते हैं और दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज की। ये देखिए गाइस, जो जो चीज़ें परचेज किया मैं दिखाती हूँ आपको। ये गाइस मैंने जो है वो सेरावी का जो है वो मॉइस्चराइजिंग बाय किया है। सेरावी की जो सारी प्रोडक्ट्स है बहुत अच्छी हैं। मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो है कहा था कि सेरावी का जो है वो मॉइस्चराइजर यूज़ करो, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। सो मैंने सेरावी का जो है मॉइस्चराइजर भी यूज़ किया है, इसका सन ब्लॉक भी, इसकी जो है वो नाइट क्रीम भी, और सेरावी के जो है वो दो तीन टाइप के जो है वो लोशन भी और जो क्रीम्स भी है मैं बाय करके यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट का जो है वो रिकमेंडेड है, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है वो जो है वो सेरावी की जो है वो क्रीम यूज़ करे, अदरवाइज लोशन भी बहुत अच्छा है ये जी। आपके मॉइस्चर को और आपकी रिस्टोर करती है प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर को। नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, 16 औंस का ये जार है और ये अच्छा खासा रीजनेबल है। आप अपनी पूरी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो, फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, हाथों पे भी जी। वो कह रहे हैं जी एज ऑफन एज नीडेड, जब आपको चाहिए आप लगा सकते हो, जैसा आपके फिजिशियन ने या आपके डॉक्टर ने बताया। अदरवाइज जो है वो आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है। ये वो कह रहे हैं जी आपकी जो है यूनिक फार्मूला है, इसमें 3 एसेंशियल सेरामाइड्स है, मॉइस्चराइजर हेल्प रिस्टोर द प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर है। और ये गाइस ये बहुत अच्छा है। और ये देखिए कितना बड़ा जार है, और इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ठीक है, आधा जार खाली दिया होता इन्होंने। ये गाइस हम लगाते हैं और इसको ये देखें, जबरदस्त किस्म का। ये इधर से ही फिर लगा लेते हैं। और ये गाइस जबरदस्त ये मॉइस्चर देता है और आपकी स्किन के ऊपर कोई चिपचिपापन नहीं रहता, जबरदस्त किस्म की जो है ना आपकी स्किन हो जाती है। तो ये जार आपकी जो है ड्रेसिंग टेबल पे खूबसूरत सा एक एडिशन आप करना चाहते हो तो करो, क्योंकि आपकी स्किन अगर ड्राई है तो फिर सर्दियां आ गई हैं तो किस चीज का इंतजार है। ठीक है, ये जनाब सेरावी का जो है वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, एक मैंने ले ली। ये गाइस मैंने जो है मिलानी का जो है पहले भी आपके साथ शायद वीडियो शेयर किया। ये जो है जबरदस्त किस्म का जो है वो मेकअप जो है वो सेटिंग स्प्रे है, और ये जो है बहुत अच्छा, इसके बाद जो है फिनिशिंग जो होती है वो काफी देर तक जो है आपका मेकअप रहता है और केकी नहीं होता, नेचुरल फिनिश देता है ये सेटिंग स्प्रे। और जो है वो बहुत ही 16 घंटे तक आपका मेकअप जो है ना वो बिल्कुल जैसे आपने किया वैसे ही रहता। ये इसमें जो है प्राइम प्लस करेक्ट प्लस सेट, ठीक है, फिर प्रिपेयर प्लस करेज प्लस फिक्स, यानी अगर आप बीच में भी स्टार्ट में भी लगाते हो तो एज ए प्राइमर भी ये यूज कर सकते हो, और फिर अगर आप एंड पे यूज करते हैं तो इसका सेटिंग स्प्रे एज ए सेटिंग स्प्रे ये आपका चलता है। तो इसमें जो है ना तीन जो काम है ये कर सकता है, ये आपका करेक्टर भी है, सेटिंग स्प्रे भी है और प्राइमर भी है। ठीक है, तो ये मैंने लिया है, मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। अल्टा पे गाइस बड़ी अच्छी सेलें लगती हैं, जब आपको जरूरत में चीजें चाहिए तो आपने लेनी है, लेकिन अगर आप पहले से लेकर थोड़ा सा इतना सा रहता हो पहले ही कोई चीज ले लो तो फिर ध्यान में रखो कि जी यहाँ पे चीप है वहां से ले लो। ये सेटिंग स्प्रे आराम से इसको ड्राई जो है ना वो पंखे में ना किया करें या हवा के साथ ना किया करें, खुद से सेट होने दिया करें मेकअप। ये जी मिलानी का लास्ट ओरिजिनल, मेक इट लास्ट ओरिजिनल नेचुरल फिनिश, ये है जी 16 घंटे तक आपका मेकअप वैसे ही रहता। फिर गाइज ये जो है निक्स की जो है प्रोफेशनल मेकअप, निक्स का जो है फैट ऑयल,
ये है जी, मैंने जो है ये ताइवान की जो बनी हुई है, ये लिप ऑयल है, ये ग्लॉस ग्लॉसीनेस देती है। ये मैंने जो है एक लिप ग्लॉस ले लिया। चक्कर देने आते हैं इनको सारों को, एक चीज बाय करो तो दूसरी जो इतने परसेंट है, एक चीज बाय करो तो दूसरी इतने परसेंट है, फ्री है कुछ कुछ, थोड़े चीप है, किसी पे इतना डिस्काउंट है। तो गाइज ये लो, किसका बड़ा ज्यादा है ये, गाइज मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ लगाते ये लिप ग्लॉस है गाइज, ये देखें ठीक है। आ जा, ये देखिए कलर ही नहीं इसमें तो निकला। ये गाइस ये देखिए, ये लिप ग्लॉस है ठीक है, शाइन देखिए। तो एक ये हो गया, ये मैंने लिया है निक्स का। फिर ये निक्स का जो है वो, ये भी जो है लिप ड्रिप, ये भी लिप ऑयल है, ग्लॉस लिप ग्लॉस ही कह लो, लिप ऑयल कह लो, लिप ग्लॉस कह लो ठीक है। ये है एक, ये भी जो है आपकी लिपस्टिक के ऊपर, लिप लाइनर के ऊपर आपने लगाया हो तो बड़ी शाइन आती है। अगर आप वैसे ही खाली लिप लाइनर लगा के और ऊपर ये लगा लो ना खाली, तो भी ये जो है ना आपकी आपकी जो लिप्स को बड़ी शाइनी देता है। ये देखिए ये ऐसे मिडल में हल्का सा लगाते हैं और आपका ग्लॉस होता है कोई, ये देखिए ठीक है। एक ये मैंने ले लिया, इसको मैं साफ कर लूं कहीं मेरे लग ना जाए। जो है एक लिप रिपेयर स्टिक ली है, प्लस सनस्क्रीन रिपेयर्स एंड प्रोटेक्ट्स फॉर वेरी ड्राई लिप्स के लिए है ये। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसमें SPF 30 है, हेल्प्स रिलीव ड्राइनेस एंड सूथ चैप्ड क्रैक लिप्स, फ्रेग्रेंस फ्री है। तो ये गाइस मैंने जो है एक्वाफोर का जो है ना वो चैपस्टिक ले ली ठीक है। इसको भी आपको खोल कर दिखाती, ये देखें आपके चैप लिप्स, जो आपके चैप लिप्स हो जाते हैं, जो ड्राइनेस हो जाती है उसको क्लियर करता है। और ये आप अपने बैग में पॉकेट में हर वक्त रखो, बस हल्का सा ये लगाया और चलो जी। ये बहुत अच्छा है, इसकी जितनी भी चैपस्टिक्स है ना बहुत अच्छी है। ये गाइस मैंने जो है वो फिटमी का जो है वो, मेबिलिन फिटमी का जो है वो कंसीलर ले लिया, 30 नंबर है इसका। और ये जो है वो काफी जो अच्छा कवरेज इसकी है, गुड कवरेज है। ये भी आपको खोल के दिखाती हूँ मैं, ठीक है। ये आपको लगा के दिखाती है, देखिए कितनी अच्छी कवरेज है इसकी। इतना सा मैंने डॉट लगाया और गाइस देखें ये ज्यादा ही लगा लिया मैंने। ये देखें सारे जो मेरे छोटे छोटे से तेल थे ना हाथ पे, मेरे ना छोटे छोटे तेल हैं तो वो सारे कवर हो गए। अभी मैं ये ऐसे यू यू कर रही हूँ, अदरवाइज आपको ऐसे डैब डैब करना है ठीक है। मैं तो फैला रही हूँ कि मेरे हाथ पे ज्यादा लगा हुआ है, तो ऐसे ऐसे आपको तो देखें गाइस कितनी अच्छी कवरेज है इसकी ठीक है। ये है एक जबरदस्त फिटमी का जो है, इसका नंबर जो है वो 3 है और ये भी बड़ा अच्छा रीजनेबल प्राइस पे मुझे मिल गया। इधर चल दो ठीक। ये गाइस उन्होंने रिटर्न का टैग दिया है, अगर आपने रिटर्न कर रहा है तो ये आप, ये पहले ऑलरेडी उन्होंने करके दे दिया ठीक है रिटर्न का। फिर ये गाइस मैंने जो है बिग बैड लैश जो है इसका, रेवलॉन का जो है वो मैंने ब्लैक नॉयर इंटेंस जो है 762 जो हो वाटर प्रूफ जो है मस्कारा ले लिया ठीक है। इसका ब्रश बहुत अच्छा है और बड़ा अच्छा ये जो है ना वो, मैं खोल के आपको दिखाती हूँ इसका ब्रश कैसा है। ये देखिए ये बिग बैड लैश वाटर प्रूफ मस्कारा,
ये रेवलॉन का है और इसका ये देखिए, ओह माय गॉड, इसका ब्रश देखो गाइस। कोशिश करा करें हवा ना इसके अंदर जाए और इसको ऐसे ऐसे पंप नहीं करना, बस जल्दी से लगाया और जल्दी से बंद कर दिया और इसको शेक करते हैं और अदरवाइज ड्राई हो जाता बहुत जल्दी है। तो ये गाइस एक वाटरप्रूफ का जो है वो मैंने रेवलॉन का मस्कारा ले लिया। ये गाइस मैंने जो है वो ये लिप पेंसिल है ब्राउन कलर की निक्स की, प्रोफेशनल मेकअप निक्स जो है वो लाइन लाउड लिप पेंसिल, इसका जो है वो ब्राउन शेड है। ये गाइस मैंने आपको खोल के दिखा देती हूँ। ओह ये ब्राउन नहीं, ये ब्लैक आई थिंक है, ब्लैक है ब्राउन है, हाँ ये गाइस ब्लैक है। ये आप आईब्रोज पे भी यूज कर सकते हो, आप इसको आंखों में भी लगा सकते हो, अदरवाइज ये लिप पेंसिल है ब्लैक, तो आप इसको एज ए लिप लाइनर भी यूज कर सकते हो और एज ए आई शेडो के लिए भी यूज कर सकते हो, आईज में भी लगा सकते हो, आईब्रोज पे भी लगा सकते हो। और ये जो है गाइस ब्राउन है, मुझे मैंने समझा ये ब्लैक है, तो ये ब्राउन है। ये गाइस वाटरप्रूफ जो है वो न्यूड लिप लाइनर है एलए गर्ल का शोक वेव, और ये चाइलेट ये जीपी 745 है, ये लिप लाइनर है और ये भी वाटरप्रूफ है। ये देखें ये वाओ गाइस, ये देखें कितना खूबसूरत है। तो ये गाइस दो जो है ये मैंने लिप पेंसिल्स ले ली, एक मस्कारा, ये लिप ऑयल लिप ग्लॉस और ये चैपस्टिक, ये कंसीलर और ये सेटिंग स्प्रे और सेरावी। ये थी ये मेरी अल्टा की जो है वो शॉपिंग और उसका व्लॉग, उसका हॉल। आपको होप अच्छा लगा होगा। लव यू ऑल, बाय शाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। फिर मिलती है किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टाटा।